लिखा है क्या लकीरों में, मुझे पढ़ना नहीं आता तेरी बेदर्द मम्मी से, मुझे लड़ना नहीं आता। जान जी, अम्मी आए हैं बाहर। क्या क्या करूं, बुला लूं उनको अंदर? नहीं नहीं, अंदर नहीं बुलाना, आगे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर से उनको भेज दो। अरे हाँ, कह तो ठीक रही है, यहाँ पे अपनी जान के लाले पड़े हुए, पैसे पास है नहीं, ऊपर से अम्मी आ गए हैं। चलो कोई बहाना करता हूँ इन्हें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक साल हो गया था तेरी शक्ल नहीं देखी थी, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं अपने बेटे को मिल के आऊँ। हाँ वो तो अम्मी ठीक है, असल में आपकी बहू घर नहीं है, वो मायके गई हुई है, और मैं भी 6 महीने से मेरी जॉब नहीं है, तो मैं जॉब के सिलसिले में रोज जाता हूँ। बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी जॉब का कोई सिलसिला बना दे। बेटा हर माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, तो मैं भी तेरे लिए बहुत दुआएं करती हूँ, अल्लाह पाक तेरे लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन, आपकी दुआएं चाहिए अम्मी। और दूसरा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तो अभी आप चली जाएं, तो मैं आपको इंशाल्लाह खुद कुछ ना कुछ भिजवा दूंगा घर में। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझसे कुछ लेने नहीं, तुझे कुछ पैसे देने आई थी। मुझे पता था तेरे हालात खराब हैं, तो इसलिए ये मेरी तरफ से तू रख ले खर्चा, बहू को घर ले आ, मायके में नहीं छोड़ते। और राशन डाल लेना। अच्छा मैं चलती हूँ। खुदा का अर्श थरथराने लगता है जब कोई माँ बाप को सताने लगता है।